प्रोजेक्ट को। माशाल्लाह गवादर क्रिकेट स्टेडियम से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर बड़ी मेहनत की जुल्फी भाई ने भी और आपकी हुकूमत ने भी। तो सर अगला प्रोजेक्ट आपका क्या होगा? ये तो अब पाया तकमील तक पहुँच गया, आगे 2.5 साल रह गए सर, नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर कितने लोग मुस्तफीद हो सकेंगे? देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ कि हमें देर क्यों हुई। देर इसलिए हुई कि देखें कोई हुकूमत तो घर नहीं बना सकती सबके लिए, दुनिया में कोई भी यानी अमीर तरीन में हुकूमत भी बना नहीं सकती, लेकिन हुकूमत करती क्या है कि वो फैसिलिटेट करती है, वो मौके देती है आम लोगों के लिए आसानी से घर बना सकें, अपने घर खरीद सकें। तो वो मौके इस तरह देती है कि वो ये जो वो आसान किस्तों पे कर्ज़े दे देती है लोगों के लिए। तो वो हमने ये पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान में कि हमने पहले बैंकों के पास गए, बैंकों को हमने इंसेंटिवाइज़ किया, 380 अरब रुपया बैंकों को कहा कि सिर्फ घरों के कर्ज़े के लिए रखें। तो सारे प्राइवेट बैंक्स ने ये पूरा अमाउंट रखा, स्टेट बैंक इसको मॉनिटर कर रहा है। 5 मरले के घर के ऊपर 5% कर्ज़ा है, और अगर 5% से ऊपर कर्जा जाता है तो हुकूमत वो सब्सिडाइज़ करती है, हम पैसे देते हैं। फिर हर घर के लिए पहले जो हमारे 1 लाख घर तक 3 लाख रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है हर घर पे। उससे क्या होता है कि मसलन 21 लाख का घर है तो अगर 21 लाख के घर के ऊपर 3 लाख सब्सिडी मिल जाती है वो 18 लाख का हो जाता है। 18 लाख का मतलब ये कि जो किस्तें हर महीने देनी होती हैं वो और कम हो जाती हैं। तो आम आदमी के लिए आसान हो जाता है कि वो जो किराए देता है वो किस्तें दे देता है और घर भी उसका अपना हो जाता है। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने किया, लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि मॉर्गेज फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए हमने उनको पहले तो वो कानून था फोरक्लोजर लॉ जो 2 साल लगे हैं पास करने में, वो पास हो गया, अब बैंकों के लिए आसान हो गया कर्ज़े देने के लिए। और इसी तरह इंशाल्लाह सारा आप देखेंगे कि जो हाउसिंग इंडस्ट्री है वो इस तरह उठेगी पाकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताएं कि ये प्रोजेक्ट तकरीबन 20 साल के बाद मुकम्मल हो रहा है, इससे पहले वाली हुकूमतों की तवज्जो नहीं थी क्या इस प्रोजेक्ट पे? अभी पूछते हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा कहाँ है, 50 लाख घर कहाँ है? उनके अपने दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स भाग गए इस मंसूबे से, अभी जुल्फी बुखारी साहब ने इसको मुकम्मल किया, तो क्या फ़र्क? देखिए इसमें 25 साल पहले ये सारी जगह ली गई थी हाउसिंग के लिए, मज़दूरों के लिए वर्कर्स वेलफेयर फंड ने ये जगह ली थी, लेकिन वर्कर्स वेलफेयर फंड करप्शन का पलंदा था, इसमें पैसे बनते थे, सब कुछ होता था लेकिन मज़दूरों को कुछ नहीं मिलता था। गवर्नमेंट का एक इरादा था कि हमने ये काम करना है, तो वो 25 साल पुरानी स्कीम को रिवाइव किया गया और आज आपके सामने 2.5 सालों में ये पूरा सारा एक सोसाइटी बन चुकी है और खड़ी हो गई है। इसमें जुल्फी बुखारी इनकी टीम को वर्कर्स वेलफेयर फंड में जो इनकी टीम थी उस सबको मैं खराज तहसीन पेश करूं। खान साहब ये बताइएगा कि 50 लाख जो घरों का जो प्रोजेक्ट है ये अब इसमें कब तक मुकम्मल होगा, और स्पेशली क्या ये तमाम जितनी भी जो सूबाई हुकूमतें हैं क्या इसमें आपके साथ वो तावन कर रही हैं वफाक के साथ? देखें 18th अमेंडमेंट में सिंध के ऊपर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उनके अपने ऊपर है, वो हम कोशिश करते हैं, इंसेंटिव्स वहाँ भी हैं लेकिन वहाँ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब में और पख्तूनख्वा के अंदर बलूचिस्तान में भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और ख़ास तौर पे जब वो कानून फोरक्लोजर लॉ जब वो कानून अदालत से पास निकल गया उसके बाद तेज़ी से अब काम हो रहा है। हमारे जो 2 शहर हैं, एक बंडल आइलैंड जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिंध हुकूमत इस वक्त वहाँ परमिशन नहीं दे रही, दूसरा है हमारा रावी प्रोजेक्ट, और उसके अलावा भी एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बनने लगी है वॉल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि पूरा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ यही अगर इनमें से सिर्फ रावी प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट और ये हमारा जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अगर बंडल आइलैंड ना भी किया जाए यही 50 लाख से ज़्यादा घर बन जाएंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं कि आज हमने देखा गरीबों मेहनत कश मज़दूर जो हैं उनके लिए मोहब्बत की झलक यहाँ नज़र आ गई, आपने प्रेफरेंस दी, बल्कि मजदूरों के लिए भी मोहब्बत यहाँ नज़र आई। ये बताइएगा जो आम दिहाड़ीदार रेड़ी बान और जिनको जिनका रोज़गार नहीं है क्या उनके लिए भी फ्यूचर में ऐसे मंसूबे घरों के मंसूबे आ सकते हैं? डिफरेंट लेवल के ऊपर कर रहे हैं ना, एक तो तनख्वाहदार है मज़दूर है, एक तो उसके लिए ये आप देख रहे हैं, एक सबसे निचला तबका है उसके लिए हम एक अकूवत एक NGO है उसके साथ मिलके
हमने 7,800 घर, वो सबसे जो कमज़ोर तबका है, ये जिस जो आपने बात की ना, उनके लिए हमने उसको लिया है और वो सूद के बगैर कर्जे देते हैं, तो वो सिर्फ, लेकिन वो बिल्कुल निचला तबका 7,020 कितने 7,800 बन चुके हैं, मजीद और हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो बिल्कुल सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल निचले तबके के लिए शुरू किया। ये बताइएगा कि जिस तरह आप मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को खुद बना के दे रहे हैं और उनको आप दे उनको प्रोवाइड भी कर रहे हैं 3 लाख का जो मॉर्गेज है, सर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो उनके पास पैसे हैं, वो घर बनाना चाहते हैं, वो बना भी सकते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी ज़मीनों के मसले होते हैं, आप इसको काफ़ी जगह मीटिंग्स में एड्रेस भी कर चुके हैं, तो कैसे देख रहे हैं सर आप उनको, कैसे मेक श्योर करेंगे कि वो ये ट्रस्ट करें कि उनकी जो ज़मीन है, जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर घर बनाने के लिए, वो सिक्योर रहेगी? देखिए दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो कब्ज़ा ग्रुप के ऊपर पूरी हमने जिहाद कर दी है। कब्ज़ा ग्रुप हर जगह बड़े बड़े शहरों में, अब ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके कनेक्शंस हैं पॉलिटिशियंस के साथ, जिस तरह लाहौर में एक बहुत बड़ा कब्ज़ा ग्रुप है, वो बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मिला हुआ था पिछली हुकूमत की, तो उनके ऊपर वो इतने ताकतवर थे कि ना पुलिस उनको कुछ कहती थी, ना किसी की जरूरत ही नहीं होती अदालत में जाके या उनके कब्ज़े छुड़ाने। तो एक तो वो जिहाद शुरू हो गई और वो पंजाब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में 200 अरब रुपए से ज़्यादा ज़मीन अभी छुड़ा चुकी है कब्ज़ा ग्रुप से और अभी जारी है जहाद। दूसरी, हमने स्पेशल कोर्ट्स अब बनाए हैं, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, जिधर उनका फास्ट ट्रैक होगा, उनके जो भी केस होंगे हमने फैसला किया वो फास्ट ट्रैक उनके फैसले हो। प्राइम साहब, आपको एक शिकवा भी रहता है कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह के ये जो जिन मंशूर के ऊपर आप आए थे, उनके ऊपर उस तरह से बात नहीं होती, खुल के मीडिया पर भी बात नहीं होती, तो एक तो ये बताएँ कि अब ज़ाहिर है आपकी गवर्नमेंट के हाफ टर्म गुजर चुका है और हाफ रहता है, आपको लगता है कि आपके जो सारा जो मंशूर था, जो आपके टारगेट्स थे, वो मुकम्मल हो जाएंगे आपके 2023 तक के टर्म में? देखिए, हमारी तो हुकूमत आई तो अभी पहले हफ्ते उन्होंने कहा फेल हो गई है, पर पहले दूसरे हफ्ते में कहा फेल हो गई है, यानी उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था कि फेल हो, क्योंकि आपको पता है उनका एजेंडा तो कुछ और है। लेकिन जो भी हुकूमत होती है, जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है, तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, आप मुझे वोट देंगे, मैं 5 साल के बाद ये चीज़ें करूँगा। ठीक, इंशाल्लाह ये जब हमारी आधा टाइम गुजर गया है, अब आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो अब आपके सामने आनी शुरू होंगी। अब देखें, दो बड़ी डैम्स हैं, 50 साल के बाद पाकिस्तान में 2 डैम्स बन रही हैं, तो ज़ाहिर है वो तो 5 साल में नहीं कम्प्लीट होगी, और इसलिए कोई डैम बनी नहीं, क्योंकि वो सोचते थे जी इलेक्शन कैंपेन से पहले पहले काम हो। तो इतना बड़ा जुल्म किया अपने मुल्क में कि हमारे पास बड़े वाटर रिजर्वर्स ही नहीं रह गए, हिंदुस्तान में देखें, चाइना में देखें, वो किधर से किधर पहुंच गए। दूसरी चीज़, जो हमारी हाउसिंग है वो आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी, ये जो हमारे 2 नए शहर हैं ये आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे, और ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इस वक्त हमने जो इंसेंटिव्स दिए हैं, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसी साल आपको सबको नज़र आ जाएगा, क्योंकि जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो अब आपको खुद नज़र आएगा कि किस लेवल की पाकिस्तान में अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, रोज़गार लोगों को मिलेगा, वेल्थ क्रिएशन होगी। ये सारा एक कॉन्क्रीट जंगल बनता जा रहा है, ये एग्रीकल्चरल लैंड था, आप फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी आपने हमेशा एम्फेसाइज़ किया, एनवायरनमेंट के ऊपर भी आप बात करते हैं, तो ये जो एक एरिया है जिसमें जब ये हमारे खाने पीने के जो जगह हैं, जो फार्म्स ख़त्म होते जाएंगे और एनवायरमेंटल इशूज़ जो क्रिएट होंगे, उसके मतलब आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखें, मैं अगले महीने इंशाल्लाह एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर अब पूरा आपके सामने एक मुल्क एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर किसी ने तवज्जो दी नहीं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर। ये अगले इंशाल्लाह 8-10 तारीख अप्रैल को मैं ये लॉन्च करूँगा, ये नई सोच है इसकी। उसमें एक चीज़ ये ज़रूर है, ये जो आपने बात की, पहली दफ़ा हमने गवर्नमेंट ने कहा कि सारे शहरों के मास्टर प्लान बने। जब तक शहरों के मास्टर प्लान ही नहीं बनेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ग्रीन बेल्ट कौन सी है, कैसे प्रिजर्व करेंगे, फूड सिक्योरिटी के लिए कौन से इलाके बचाने हैं? और जब तक जब आपके मास्टर प्लान बनेंगे, तो जब आप रिंग फेंस करेंगे, मसलन ये शहर इससे बाहर नहीं जा सकता, उसके बाद ऊपर जाना शुरू होगा। ये हम पहली हुकूमत है जिसने अब पूरी ऊपर जोन्स बना दिए हैं, जिधर आप जितना मर्जी ऊपर ले जाएँ, क्योंकि अगर हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे वो फैलते जाएंगे, और फैलेंगे उसके 2 मसले हैं, एक फूड सिक्योरिटी का, और दूसरा मसला ये है कि जैसे ही शहर फैलता है, आप उनको बड़ा मुश्किल और महंगा हो जाता है, उनको बिजली देना, उनको पानी देना, उनको गैस देना, उनकी गंदगी उठाना, ये जितना शहर फैलता जाएगा उतना। इसलिए सारी मॉडर्न सिटीज़ ऊपर हैं,
आप लंदन चले जाएं ऊपर है, ये न्यूयॉर्क चले जाएंगे, ये दुबई सारा चले जाएं ऊपर है, वो जब आप फैला देंगे शहर को उसके उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो होगा तब जब आपका शहर का मास्टर प्लान बनेगा। तो सारे शहरों के अब मास्टर प्लान्स बन रहे हैं, कईयों के इस साल के बीच में आ जाएगा एंड तक, लेकिन सब शहरों के मास्टर प्लान बन चुके हों।